सो निहाल, बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की, बोले सो निर्भय संत बाबा प्रीतम दास महाराज की। परम सत्कार जो गुरु सत संग जी तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी में बैठ के असी सारिया का कोटन कोट धन्यवाद करते हुए गुरु महाराज के चरणों च अरदास करते हैं। जेठ जड़न दा लोहड़ीए जिस अगे सब निवन, हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई वन। माणक मोती राम नाम प्रभु लगे ना ही सन, रंग सबे नारायणे जेते मन पवन। जो प्रभु कीते अपने, भाई साहब जी ने शब्द पढ़िया, जो प्रभु कीते अपने, जिन्हें परमात्मा ने अपने चरणों के नाल जोड़ लै, जिन्हों परमात्मा ने अपने नाल जोड़ लिया उही धन है। कहिंदे जिस वेले समुद्र के उपर पुल बनना शुरू हो गया ना, तो खुशी के नाल दसण गए, भगवान रामचंद्र नूं दसण गए कि हुण लंका के उपर पुल बजना शुरू हो गया। कहण लगे किस तरह? कहण लगे पत्थर जोड़ जोड़ के। पत्थर किदा जोड़े? कहिंदे तुहाडा नाम लिख के, परमात्मा का नाम लिख के। गुरबाणी दे विच लिखिया, पशु प्रेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे। पाहन कहिंदे पत्थर नूं, देवा पाहन तारी अले, कि पत्थर जो है वह भी पानी के उपर तर जाते हैं जो उहदी कृपा होवे। तो पत्थर तारने वाला वो विश्वास होना चाहिए कि पानी के पत्थर तरा सकता, और तर भी गए, तारे भी है। धन गुरु रविदास जी ने पत्थर तारे, लोगों ने शब्द संगत तक सुनाए, और जिस वेले वो पत्थर पानी के उपर तरने शुरू हो गए, पुल बनना शुरू हो गया, वो कह लगे किदा होया? कह लगे परमात्मा का नाम लिख के, रारा माँ, रा कन्ना ला के रा माँ। जिस वेले रा जुदा, माँ जुदा, माँ एक पत्थर से लिखता, रा इत लिख दिता, राम। राम नाम सर्व जो व्यापक परमात्मा, उहदा नाम लिखिया, तो पत्थर तरने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहन लगे नहीं, रामचंद्र कहते नहीं, मेरे राम मेरे नाम के नाल नहीं तर सकते। कहन लगे नहीं, देखो रारा मम्मा राम लिखिया, पत्थर तरने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा चलो जाके देखते हैं। जिस वेले उत्थे गए, वो जिथे पत्थरों का पत्थर जोड़ के पुल बन रहा सी, तो उन्होंने देखिया वाकया ही नाल अनिल दो ही जने वह लिख रहे हैं, तो होर जोड़े सेवादार है वो इस तरह उन्होंने चिण रहे, तो पत्थर तरी जा रहे हैं, पुल बजी जा रहा। तो भगवान कहन लगे मैनू भी दियो जरा, पर बिना नाम तो दियो। जिस वेले पत्थर दिता उन्होंने, उन्होंने रखे डुब गया। तो कहन लगे देखो जिहदा नाम लिखते हैं, जिहदे नाम दे वाला पत्थर तर जाते हैं, पत्थर तर रहे पानी के उपर, पर जिहदा नाम लिखिया जिस वेले वो रखन लगे तो डुब गया। तो जिज्ञासु जन कहते महाराज जिन्हों तुसी तारना चाहो तर जाते हैं, जिन्हों डुबना चाहो डुब जाते हैं। तो महाराज की बाणी के विच लिखिया कि जो प्रभु कीते अपने, जिन्हों परमात्मा ने अपने चरणों नाल जोड़ लिया उही धन हो गया, उही तर गया पानी के उपर। पानी नाम संसार का, संसार तो पार करने वास्ते हम देखा तो डूब अले, संसार सारा डुबदा जा रहा। क्यों डुबदा जा रहा? मन एक ना चेत समूढ़ बना, एक परमात्मा असी याद नहीं किया। एक सिमरो नानका जो जल थरिया समाए, दूजा काहे सिमरीए जम्मे ते मर जाए। अज दा जो गुरु पातशाह जी ने सानू जीवन रूपी महीना दिता होया, उहदे तरन वास्ते महाराज कहिंदे कि नाम दी और उस परमात्मा दे ओट आसरे दी जरूरत आ। जिन्हां नूं मिल गया ते जिन्हां ते उहनां दी कृपा कर दित्ती, जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के का सवारता, जिहड़ा चरणां नाल जुड़ गया ਉਹ ਹੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧੰਨ, ਉਹੀ ਧੰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਤੋ ਆਓ ਰਵਨੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਕਿਲ ਵਿਕ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਮਿਲ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਗਲਾ ਚਾਰ ਮੰਗਲਾ
रैनी मन पुनरुप कर धन रैनी मन पुनरुप कर पांच Oh, no.
कटे हो साखिए संतां संग निधान अमृत चाखिए
तै भंजन मेहरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाए अलख प्रभ राखिए गुरु पातशाह जी की कृपा दे नाल ये सारे ही कारज उहदी प्रेरणा दे नाल हुंदे आ। विदेशां विच बैठी सारी संगत गुरु महाराज के चरणां नाल जुड़ के आपां महाराज का ये समागम जो है वह मनाउण जा रहे हैं। जिथे जिथे भी संगतां बैठियां उन्होंने असी नैट द्वारा और इन्हां चैनलों द्वारा आप जी नूं दिखाउण की कोशिश करांगे। तो गुरु पातशाह कृपा करे अगला प्रोग्राम जो है हुण अखंड पाठ आरंभ होणगे और 16 तरीक नूं भोग पाए जाणगे। गुरु पातशाह जी का ज्यों हुक्म है असी सारिया संगतां नूं उही बेनती कर रहे हैं कि थोड़ा दूरी रख के और पूरी मर्यादा के अनुसार जिदा सरकार वालों हदायत क्योंकि मौके दी सरकारां दी भी मननी पैंदी है और सारे वो मना भी लेंदे आ जिदा वड्डी सरकार बना लैंदी उदा ये भी सरकारां ही आ तो यह भी मना लेंदे आ भी तुसीं इस तरह करना। असी गुरु महाराज के चरणों च सारे लई अरदास करदे आ कि ये मालक जगत जलंधर रख लै। गुरु नानक पातशाह जी ने भी जिस वेले उन्हां दे साज पठाए आप हर हम तुम ते ना ही दूर मालक ने उन्होंने भेजा सुनी पुकार दातार प्रभ। जिस वेले सारी ही जीव जंतु की पुकार सुनी कि सारा संसार जल वल रहा तो कृपा करके आप रहमतां बख्शी करो तो गुरु नानक पातशाह जी ने आप नारायण कला धार जग में परवरियो उदों ही गुरु पातशाह जी आउंदे आ जदों इस तरह के कार्य होंगे हूँ भी थम्मे कोई ना साध बिन साध ना दिसे जग विच कोआ। तो ये सारिया जो परेशानियां आदि उन्होंने थम्मण वास्ते महापुरश ही कृपा करते हैं। तो जिहड़े महापुरश आ कोई सत्संग कर रहा कोई चौपाई का जाप कर रहा कोई अखंड पाठ करवा रहा कोई संपट पाठ करवा रहा इस तरह लगातार वो जाप कर रहे हैं। तो असं भी बेनती करते भी जिथे भी कोई बैठा वो महाराज के चरणों नाल जुड़ के जाप करके क्योंकि जिस वेले बंदा जाप करता ना फिर ताकत आती है फिर वो जिथे भी कोई बैठा कोई अरदास करते पूरी होंगी है। तो सब तो पहला अरदास बाद विच पहला सिमरन मालक दी नितनेम जो है वह बहुत जरूरी है। तो नितनेम करके पाठ करके पूजा करके तो फिर अरदास करो तो मालक सुन लेंदा। तो जो जन तुमरी भगत करंते तिनके कास वारता जिहड़ा उहदी भगती करदा उहदे नाल प्यार करदा हुणे हुण आप जी ने सुनिया जो प्रभ कीते अपने सही कहीए तन। तो जिन्हां ने परमात्मा नूं अपने चरणां नाल जोड़ लिया तो महाराज कहिंदे जिहड़े जुड़ गए ना उहनां तत्ती वाह नहीं लगदी उहनां ते परमात्मा दा हथ रहिंदा उहनां दे सीस दे उपर। तो असीं सारिआं लई अरदास करन वास्ते मालक दे चरणां विच इकट्ठे होए आ और जिथे जिथे कोई बैठा उत्थे मालक दे चरणां च अरदास करे कि ये जो परेशानी का समा आया ये जल्दी तो जल्दी मालक कृपा करे तो सारे ही सुखी वसे मोरो परिवारा सेवक सिख सभे करतारा सुखी वसे मोरो परिवारा। जिथे भी कोई है वह सुखी रहे और अपनी किरत कमाई करे तो तेरा नाम जपे हाथ पाँव से काम कर चीत निरंजन नाल हत्थां पैरां दे नाल तदे असीं काम करांगे जे साडी सेहत ठीक होएगी। हॉस्पिटल जाके देख लो की हाल होया किसी नूं कोई ऑक्सीजन नहीं मिलती किसी नूं कोई वेंटिलेटर नहीं मिल रहा तो जिहड़ा मिल रहा बड़ी सिफारशां दे नाल मिल रहा कोई ताकतवर आ जाता पैसे वाला आ जाता दूसरे ला के उन्होंने ला दिता जाता। ये साढ़े हालात आ जिथे कोई जोर किसी का चलता वो अपना जोर चला पर वो मार्ग के मूहरे कोई जोर नहीं किसी का चलता इस करके साडा तो जोर उस मार्ग के चरणों तक ही आ साडा तो उटासरा वो चरणों तक आ साडा तो उही वेंटिलेटर आ उही साडी ऑक्सीजन आ उही साडी शक्ति आ तो उहदी कृपा दे नाल सारा आपां कुछ कर सकते हैं। तो प्रभ भावे बिन सास ते राखे जे उहदी मर्जी है ना तो सासां तो बिना भी रख लेना। साढ़े इत्थे 8 घंटे वह खूह के बंदा थले जमीन के आ गया 8 घंटे बच्च जीता रहा 8 घंटे तो बाद जिस वेले विचों कढ़िया ट्रैक्टर लगा लगा के तो 8 घंटे बाद फिर भी वो अंदर सुवास आ गया तो सीधा अपने गुरु चरणों के गया कहिंदा सब तो पहला मैं महाराज के चरणों पहुँचना जिन मैनूं रखिया। तो मालक के चरणों आप जिस वेले सारे पास्यों
साड़ियाँ सारे जतन किते फेल हो जान तो फिर मालक कृपा करे जा को मुश्किलात बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना साख भी भज खले भजो सभे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म ता लगे ना तत्ती वाओ। तो गुरु पातशाह उन्हां ते मेहर करदा आ जिहड़े उहदे चरणां नाल जुड़ जांदे आ उन्हां दी रक्षा भी करदा है। तो आओ उहदे आपां चरणां नाल जुड़ के अरदास करिए। तो बाबा जी का जो वरसी समागम है वह आपां दूर और मर्यादा विच रह के करिए ताकि असी भी सुखी और तुसी भी सुखी सारे सुखी हो। तो असी यही अरदास करते महाराज के चरणा चाहो आप अरदास करिए। तो महाराज की तैयारी हो रही है सारे पाठी सिंह कर रहे हैं। तो महाराज का स्वरूप महाराज के चरणा च अरदास करके आप शुरू करिए। आओ सारे गुरु चरणा विच बैठ के। सब तो पहला मैं एक बेनती करांगा साडे अपने मन्नण साहब उन्होंने परिवार वालों उन्होंने ड्यूटी लगा गया सी टौड़ा साहब जी। तो वह अपनी सारी ड्यूटी निभा रहे हैं सरदार अवतार सिंह जी उन्होंने भी ड्यूटी लगा गया सी कि तुसी साडे मगरों सारे कार्य करने हैं। तो मन्नण साहब तो बीबी रणजीत कौर तो सारे ही परिवार जो है वह अमेरिका यूनिवर्सिटी बैठे है यूनिवर्सिटी पहुँच गए सारे। तो असी उन्हों का धन्यवाद करते हैं जो ड्यूटी निभा रहे हैं उन्होंने पिछों जिहड़ी इत्थे दी ड्यूटी आ वह असी भी नाल रल मिल के निभावांगे। तो टौड़ा साहब जी नूं बेनती आ वह अपना सरोपा लैके गुरु महाराज के चरणों चों खुशियां प्राप्त करन आशीर्वादा प्राप्त करन। टौड़ा साहब आओ जी भाई साहब दिओ आ दिओ हाँ जी लो जी बन्नण साहब देख लो तुहाडी ड्यूटी निभा रहे आ। अवतार सिंह जी आ जाओ तुसी मिल जाओ अवतार सिंह जी तुसी आ जाओ अवतार साहब ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੁਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੋੜਿਆ बहुत बहुत धन्यवाद जी। सारे ब्रह्मलीन संत बाबा प्रीतम दास महाराज जी जिन्हों की 32वीं बरसी के समागम से ये जो प्रोग्राम चल रहा है लेकिन करोना लॉकडाउन होने करके तो जो सरकार दी हदायतां उहदे मुताबक ये सानू मनना पै रहा करना पै रहा है। तो सारी संगत अपने घरां दे विच बैठ के महाराज का जो समागम है ये सरवण कर रही है और साढ़े बहुत ही सत्कार जो सरदार मन्नण सिंह जी भैन राणी जी जिन्हां दी बेटी रिचा दी शादी दी खुशी दे विच सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 3 दिन तो अखंड पाठ साहिब चल रहे सन भोग पाए गए हैं। तो संत बाबा निर्मल दास जी महाराज गद्दी नशीन डेरा संत बाबा प्रीतम दास बाबे जोड़े जी प्रधान गुरुदास साधु संपत सोसायटी रजिस्टर्ड पंजाब उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल सारा ही ये जो कारज विंडिया हुआ है निर्विघन संपूर्ण किया जा रहा है। तो बाबा जी के चरणों च कोटन कोटन प्रणाम क्योंकि जिन्हें महापुरखों का आशीर्वाद मिल जाता है तो उन्होंने सारे ही कार्य पूरे हो जाते हैं। तो बाबा जी आप ही सारी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों का ओट आसरा लिया साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई बलविंदर सिंह जी जो बाबा जी वड्डे बाबा जी ने जुड़े हुए हैं और संत बाबा जी निर्मल दास जी महाराज का बहुत ही उन्हों का प्यार है तो उन्होंने भी कीर्तन किया उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी जसवीर जी जिन्हिया भी संगत आईया हैं सारे का कोटन कोटन धन्यवाद मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो 16 तरीक न 16 मई को महाराज का बरसी समागम है वह भी असी सरकार दी हदायतों के मुताबक इत्थे ही बहुत सिस्टम दे नाल और लॉकडाउन जो चल रहा है सोशल डिस्टेंस दे माध्यम से सारी संगत नूं अपील करते हैं कि अपने घरां दे विच बैठ के ही ये जो समागम है सरवण करना ता जो जिहड़ा ये बीमारी तो आपां बच सकीए। तो दोबारा अपील है कि अपने अपने घरां दे विच बैठ के ही ये प्रोग्राम सरवण करना सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निरपै शिवदास महाराज की जय जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ
ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਕ ਬਿੰਦਨਾ ਸਿਮਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉਨ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਤਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਸਨ ਦਰੋਜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਫਲਤਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਭੋਗ ਪਏ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਝੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੇਵਕ ਉਪਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ